हेलो छात्रगण और मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर झारखंड के टॉपिक, झारखंड के वनस्पति और फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स, वन प्रबंधन में आपका स्वागत है। मैं स्वरूप सर आज आपको इस टॉपिक पर विशेष लेक्चर दूंगा, तत्पश्चात आपको इसके बारे में अलग से नोट्स भी लिखाई जाएगी। छात्रगण, झारखंड के जीएस में यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और चैप्टर है वह फॉरेस्ट ऑफ झारखंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स, झारखंड के वनस्पति और वन प्रबंधन। छात्रगण, विश्व में आप देखते होंगे समय समय पर पर्यावरण हेतु बैठकें वर्ल्ड लेवल की होती रहती है, जिसमें पर्यावरण बचाव पर खास सेमिनार का आयोजन होता रहता है। उस पर्यावरण में फॉरेस्ट पर विशेष जोर दी जाती है। छात्रगण, मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश, जिला, महादेश की वनस्पति इस बात पे डिपेंड करती है कि उस जगह पे वर्षा कैसी होती होगी, कैसा क्लाइमेट है। वर्षा तापमान के आधार पर ही सामान्य रूप से किसी स्थान का वनस्पति डिपेंड करता है, निर्भर करता है। दोस्तों और छात्रगण, हमारे झारखंड में जो वर्षा है, जो रेनफॉल है, उसका एवरेज है 125 से 140 सेंटीमीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं झारखंड एक अच्छा औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। छात्रगण, हमारे राज्य में, झारखंड में वर्षा के एवरेज 125 से 140 सेंटीमीटर के बीच है। ऐसे में हमारा झारखंड में जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट की प्रतिशतता है 29.62, जो देश के कुल फॉरेस्ट का 3.5% है। छात्रगण, आप एक बात गौर कीजिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट कमिटी UNO और अनेक पर्यावरण विद के अनुसार किसी भी स्थान के अच्छे पर्यावरण के लिए कम से कम 33% वनों का होना अति आवश्यक है। 33% फॉरेस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा फॉरेस्ट, इतना परसेंट फॉरेस्ट है तो वहां की क्लाइमेट अच्छी होगी। तो अच्छी क्लाइमेट के लिए 33% वनों का होना अति आवश्यक है। हमारे यहां की झारखंड में कितनी है, 29.62। मतलब अच्छे क्लाइमेट के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित है उसके बहुत ही नजदीक है। यद्यपि ऐसा बोला गया है कि अगर कोई इलाका पर्वतीय हो, माउंटेन का इलाका होगा, तो उस स्थान पे कम से कम 60% वन होना चाहिए। अगर इलाका, क्षेत्र प्लेटू का है तो 40% फॉरेस्ट अच्छी मानी जाएगी, और अगर क्षेत्र पूरा प्लेन है,
इलाका मैदान का है तो वहां पर 20% वन अच्छी मानी जाएगी। माउंटेन के लिए 60, प्लेटू के लिए 40, ट्रेन के लिए 20% वन अच्छी मानी जाएगी, यद्यपि ओवरऑल 33% वन होना चाहिए अच्छे पर्यावरण के लिए। जबकि हमारा झारखंड में वनों की प्रतिशतता है 29.62, जो इंडिया के कुल वनों का 3.5% है। तो छात्रगण, आप वनों की स्थिति अभी तक समझ गए होंगे। अब छात्रगण, आपको यह देखना है कि झारखंड में जो वनस्पति है उसके क्लासिफिकेशन किस आधार पर किए गए हैं। छात्रगण, किसी भी देश का स्थान का फॉरेस्ट वर्षा, तापमान इत्यादि के आधार पर ही वर्गीकृत की जाती है। लेकिन एक और आधार है, और वो आधार है प्रशासनिक और सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिक्योरिटी। झारखंड के जो वनस्पति हैं उसके प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टिकोण से झारखंड के वनस्पति को 3 भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में छात्रगण? 3 भागों में। नंबर 1, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, इस प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन। नंबर 2 है सुरक्षित या आरक्षित वन, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट। और नंबर 3 है अवर्गीकृत वन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। छात्रगण, प्रशासनिक एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड के वनस्पति को 3 भाग में बांटते हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, हिंदी में संरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। छात्रगण, अब हम ये देखेंगे कि 3 भाग में जो बांटा गया है उसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो कहने का ये अर्थ है कि वैसा फॉरेस्ट जहां मानव को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है। मैं क्या बोल रहा हूं छात्रगण, आप गौर करें। वैसा फॉरेस्ट जहां मानव को अपने पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की इजाजत होती है, वैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती है। और ऐसा फॉरेस्ट पूरे टोटल फॉरेस्ट का 81.27% है। 81.27 ऐसा ही फॉरेस्ट है जिस फॉरेस्ट पर मानव अपने पशुओं को जाता है, चराता है, आने जाने गतिविधि पर कोई रोक नहीं है, वो सूखी लकड़ी भी काट लेता है, लेकिन सरकार इस पर निगरानी भी रखती है ताकि वनों को विशेष रूप से ज्यादा हानि नहीं पहुंचे। ऐसा फॉरेस्ट पूरे झारखंड के कुल फॉरेस्ट का 81.27% है। और ऐसा फॉरेस्ट
पूरे झारखंड के क्षेत्र पर फैला हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर कोई जिला ऐसा है जहां पर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है तो वो जिला है हजारीबाग। यद्यपि हजारीबाग रांची गिरिडीह चतरा कोडरमा इलाकों में भी ऐसा ही फॉरेस्ट है, लेकिन संरक्षित फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां है तो उसका उत्तर होगा हजारीबाग। छात्रगण, प्रशासनिक सुरक्षा के ख्याल से सेकेंड नंबर का फॉरेस्ट है सुरक्षित और आरक्षित और अंग्रेजी में रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट है तो रिजर्व फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट वैसा फॉरेस्ट जहां मानों को पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की कोई इजाजत नहीं है, कोई परमिशन ही नहीं है, और इसे पूरी तरह सरकारी संपत्ति मानी जाती है, ऐसे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से पुकारी जाती है। ऐसा फॉरेस्ट झारखंड के कुल फॉरेस्ट का 18.58% है, 18.58। छात्रगण, जस्ट उससे अपोजिट इसकी डेफिनेशन है, यहां पर मनुष्यों को पशुओं को चराने लकड़ी काटने की इजाजत थी, लेकिन सरकार इस पर निगरानी रखती है, लेकिन इस फॉरेस्ट में पशुओं को चराने लकड़ी काटने की कोई परमिशन नहीं है, और इसी तरह इस फॉरेस्ट को पूरी तरह सरकारी संपत्ति मानी जाती है, विशेष परमिशन के साथ ही आप इस एरिया में एंट्री कर सकते हैं, और झारखंड में जितने नेशनल पार्क बायोलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभयारण्य जितने हैं वो सब सुरक्षित वनों का ही एक भाग है। ऐसा फॉरेस्ट मुख्य रूप से झारखंड के पुरहार क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, लातेहार, राजमहल के क्षेत्रों में ऐसी फॉरेस्ट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। और अंतिम है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। छात्रगण, अब फॉरेस्ट तो ऐसा भी है जो ना ही प्रोटेक्टिव है ना ही सुरक्षित है, ना उसकी कैटेगरी रिजर्व में है ना कैटेगरी उसकी प्रोटेक्टिव में है, ऐसे फॉरेस्ट को अनक्लासिफाइड। मात्र इसकी प्रतिष्ठा देखिए, यहां तो 90% पार कर गया है, अतः इसकी प्रतिष्ठा मात्र 0.14 की है, 0.14 की है। ऐसा फॉरेस्ट, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह फॉरेस्ट जो ना प्रोटेक्टिव है ना सुरक्षित है तो उसे हानि पहुंचा दिया जाए, आप इसको भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर आपने इस अवर्गीकृत वनों को लकड़ी काटा तो सरकार उस पर टैक्स कर वसूल लेती है, ऐसे फॉरेस्ट को अवर्गीकृत फॉरेस्ट कहते हैं, अर्थात वैसा फॉरेस्ट जो ना प्रोटेक्टिव हो ना रिजर्व हो, वैसे फॉरेस्ट को बोलते हैं अवर्गीकृत, जिसकी प्रतिष्ठा 1% से भी कम है, और ऐसा फॉरेस्ट झारखंड के मुख्य रूप से साहिबगंज जिला में पाई जाती है। छात्रगण, जैसा कि आप देख रहे हैं जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट को बांटने का दो आधार था, एक प्रशासनिक और सुरक्षा, और एक सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आधार है तो वो है वर्षा
तापमान, दैट मीन्स बोल सकते हैं ओवरऑल जलवायु। प्रशासनिक सुरक्षा के ख्याल से फॉरेस्ट के तीन टाइप्स, जबकि वर्षा, तापमान, ओवरऑल क्लाइमेट के आधार पर झारखंड के वनस्पति को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में छात्रगण? तीन भागों में। नंबर वन है शुष्क पतझड़ वन, नंबर टू है आद्र प्रदीपीय वन, नंबर थर्ड है शुष्क प्रायद्वीपीय वन। छात्रगण, झारखंड के फॉरेस्ट को वर्षा, तापमान या जलवायु के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं? तब भी उसका उत्तर होगा तीन भागों में बांटते हैं। अब ये जो बांटा गया, हम ये देखेंगे कि किसको शुष्क, किसको आर्द्र, किसको शुष्क प्रायद्वीपीय वन कहते हैं। जैसे सबसे पहला आ रहे हैं हम शुष्क पतझड़ वन। देखिए छात्रगण, हम मैप पे आते हैं। छात्रगण, अब मैप पे गौर कीजिए। झारखंड में, झारखंड का जो उत्तरी इलाका है, नॉर्थ साइड, उत्तरी इलाका में आता है गढ़वा, पलामू, चतरा, उत्तरी लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ये उत्तरी इलाका है। इन इलाकों में वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। तो झारखंड के उत्तरी भागों में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों पर उगने वाले वन को शुष्क पतझड़ वन के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुष्क पतझड़ वन झारखंड के कौन से क्षेत्रों में है? तो उसका उत्तर होगा मुख्य रूप से उत्तरी क्षेत्रों में। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां पर उगने वाले वन को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा शुष्क पतझड़ वन। छात्रगण, शुष्क पतझड़ मतलब वहां की फॉरेस्ट साल में एक बार अपनी पत्तियों को जरूर गिराएगी। वर्षा 120 से कम हो रही है, स्पष्ट है जब वर्षा 120 से कम होगा तो वहां उगने वाले जो फॉरेस्ट होंगे उसका जो डेंस होगा, घनत्व होगा, वो थोड़ा सा कम होगा। पेड़ दूर दूर दिखाई पड़ेंगे, घनत्व उतना अधिक नहीं होगा और उसी पेड़ के आसपास जहां तहां घास भी दिखाई पड़ेंगे, झाड़ियां भी दिखाई पड़ेगी, वनों का घनत्व भी कम होगा। ये सारी विशेषता कहां की फॉरेस्ट की होगी? तो उसका उत्तर होगा शुष्क पतझड़ वन। यद्यपि इसी उत्तरी क्षेत्र में जहां नदी घाटी का क्षेत्र है वहां सघन वन देखने को मिलते हैं, जैसे चतरा में सघन वन जहां तहां है, लेकिन ओवरऑल इस क्षेत्र में वनों की सघनता, फॉरेस्ट का डेंसिटी, डेंस कम है, झाड़ियों और घासों की बहुलता भी है। यद्यपि नदी घाट क्षेत्रों में फॉरेस्ट डेंस दिखाई पड़ते हैं। ओवरऑल इस फॉरेस्ट में साल या सखुआ, जो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, वो मुख्य पेड़ है। कौन? साल या सखुआ। यद्यपि अन्य पौधे भी, अन्य पेड़ भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आद्र प्रायद्वीपीय वन। देखिए बोल रहा आद्र, मॉइस्ट पेनिनसुलर फॉरेस्ट। देखिए बोल रहा आद्र है, ये ड्राई था, ये आद्र है। अभी आद्र बोल रहा है तो झारखंड में आद्रता कहां कहां है? तो झारखंड में छात्रगण देखिए आद्रता कहां कहां है।
झारखंड के लगभग दक्षिणी क्षेत्र जो समुद्र से मतलब बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, समुद्र के नजदीक वाली भूमि है ये। यहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसके अलावा लातेहार के कुछ क्षेत्रों पर, राजमहल के कुछ क्षेत्रों पर, तो झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र राजमहल लातेहार के कुछ क्षेत्रों पर वर्षा 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों पर उगने वाले वन को बोलते हैं आद्र प्रायद्वीपीय वन। आद्र, वर्षा कितनी, 120 से ज्यादा। यहां पर ऊंचाई का होना और वर्षा अधिक होना मुख्य विशेषता है। यहां के वनों की ऊंचाई ज्यादा होती है, वनों की मोटाई भी ज्यादा होती है। वर्षा की अधिकता के कारण वनों की सघनता, पेड़ों के आसपास की दूरी बहुत कम होती है। तो पेड़ों की आसपास की दूरी का कम होना, दैट मीन्स वनों का डेंस होना, पेड़ों की ऊंचाई ज्यादा होना, पेड़ों की मोटाई ज्यादा होना, ये कौन से फॉरेस्ट की विशेषता है? तो छात्रगण, उत्तर होगा आर्द्र प्रायद्वीपीय वन, जहां के मुख्य वृक्ष साल, सखुआ, आम, बांस इत्यादि प्रमुख है। मतलब बांसों की बहुलता यहां दिखाई पड़ती है, लेकिन ओवरऑल साल या सखुआ ही मुख्य वृक्ष है। जैसा कि मैंने बताया, साल या सखुआ झारखंड के मुख्य एक राजकीय वृक्ष है। इसी आद्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र में झारखंड का सदाबहार वन इवर ग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है, और इसी आद्र प्रायद्वीपीय वन में पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा का फॉरेस्ट भी है। वही सारंडा का फॉरेस्ट जो एशिया का सबसे बड़ा सघन वन है। एशिया का सबसे बड़ा सघन वन कौन से वन का प्रदेश का भाग है? तो छात्रगण, उसका उत्तर होगा आद्र प्रायद्वीपीय वन। छात्रगण, हम नेक्स्ट आते हैं और वो टॉपिक है शुष्क प्रायद्वीपीय वन, ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट। तो छात्रगण, आपने देखा 120 से कम है तो शुष्क पतझड़, 120 से ज्यादा है तो आद्र प्रायद्वीपीय वन। तो छात्रगण, झारखंड का जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में वर्षा नॉर्थ से ज्यादा लेकिन साउथ से कम होती है, उत्तरी भागों से ज्यादा वर्षा लेकिन दक्षिणी भागों से थोड़ा सा कम वर्षा। मतलब झारखंड के मध्य भागों में मध्यम कोटि का वर्षा है। मध्यम कोटि मतलब कहने का अर्थ है वर्षा ना ज्यादा ना कम, लेकिन उत्तरी से ज्यादा और दक्षिणी से कम होती है। इन स्थानों पर उगने वाले फॉरेस्ट को बोलते हैं शुष्क प्रायद्वीपीय वन, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से आएगा पूर्वी लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, उत्तरी रांची इत्यादि के इलाकों में किस प्रकार के फॉरेस्ट उगेंगे? तो छात्रगण, उसका उत्तर होगा शुष्क प्रायद्वीपीय वन। यहां भी वनों की सघनता उत्तरी से ज्यादा है परंतु दक्षिणी से कम दिखाई पड़ती है, और यहां के भी मुख्य वृक्ष साल या सखुआ है। इसके अलावा साल और सखुआ के अलावा आम, नीम, करंज, कटहल, प्लास इत्यादि मुख्य वृक्ष हैं। तो छात्रगण,
आपने ये देखा कि झारखंड का फॉरेस्ट कैसा है, प्रशासनिक और सुरक्षा के ख्याल से कैसी है। झारखंड के फॉरेस्ट को वर्षा, तापमान, जलवायु के आधार पर कैसे बांटते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब छात्रगण, एक पॉइंट है कि झारखंड में जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में या इंडिया का जो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट एक मुख्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां है, तो उसका उत्तर है देहरादून। क्या उत्तर है? देहरादून। तो छात्रगण, जो स्थिति है उसके अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है, और देहरादून का काम है प्रत्येक दो वर्ष में वनों की स्थिति पर राज्यवार अपना रिपोर्ट देती है। कितने वर्षों में छात्रगण? दो वर्षों में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां छात्रगण? तो उसका उत्तर होगा देहरादून। वर्तमान में वन रिपोर्ट 2019, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो झारखंड में फॉरेस्ट था, उसके स्थिति पे थोड़ी बदलाव हो गई है। जैसे जो फॉरेस्ट 19 से पहले था 23,000, इस रिपोर्ट के अनुसार 23,611 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार हो गया है। 23,611 वर्ग किलोमीटर पर वनों का विस्तार है, अर्थात 19 से पहले वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2017 के रिपोर्ट के बाद जो 19 आई उसके अनुसार 58.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का वनों का वृद्धि हो गया है। इतने क्षेत्र पर वन बढ़ गई है। किसके अनुसार? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो वन है वो 23,611 किलोमीटर पर हो गई है। 2017 के तुलना में 58.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो गई है। साथ ही साथ छात्रगण, आपको हम बता दें, झारखंड में जो वन की प्रतिशतता है उसमें झारखंड में सबसे पहले देखेंगे कि वन का क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक जो वन का क्षेत्र है, उसमें से प्रथम तीन जिले जो प्रमुख हैं वो है, पहला पश्चिमी सिंहभूम, नंबर टू है लातेहार, और नंबर तीन है चतरा। छात्रगण, यद्यपि पूर्व में भी सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला भूमि पश्चिमी सिंहभूम था, लेकिन वर्तमान में भी सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला भूमि कौन है, तो उसका उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम।
दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है, तो उसका उत्तर होगा लातेहार। तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है छात्रगण, तो उसका उत्तर होगा चतरा। छात्रगण मतलब कहने का ये अर्थ है पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा झारखंड में तीन सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला इलाका है। लेकिन अगर वनों की प्रतिष्ठा, वनों की प्रतिष्ठा पर गौर कीजिए कि सबसे अधिक फॉरेस्ट की प्रतिष्ठा कहां है, तो उसका उत्तर होगा नंबर वन लातेहार, नंबर टू होगा चतरा, नंबर थर्ड होगा पश्चिमी सिंहभूम और नंबर फोर होगा कोडरमा। छात्रगण विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड फॉरेस्ट का जो इलाका है वो है 23,611 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 2017 की तुलना में 58.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है। और नया सर्वे के अनुसार झारखंड में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और चतरा आता है, जबकि वनों की प्रतिष्ठा में जो नंबर वन चतरा चल रहा था उसका स्थान अब लातेहार ने ले लिया है और चतरा खान नंबर टू में आ गया है। अगर प्रश्न ये आ जाए वनों की प्रतिष्ठा के अनुसार झारखंड के चार जिलों को क्रम से रखें, तो उसका उत्तर होगा लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद कोडरमा। लातेहार में 56.03 प्रतिशत पर वनों का विस्तार है, 56.03 प्रतिशत पर वनों का विस्तार है। सबसे बड़ा वनों की प्रतिष्ठा कहां पर है, तो लातेहार है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहां है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। छात्रगण अब इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनों की न्यूनतम प्रतिष्ठा वाला अगर कोई जिला है तो उसमें स्थान आता है जामताड़ा। देवघर, धनबाद और चौथा जिला दुमका। ये क्या है, तो न्यूनतम फॉरेस्ट प्रतिष्ठा वाला प्रथम चार जिला। छात्रगण आप ये देखिए 2017 के अनुसार सबसे कम फॉरेस्ट का इलाका जो था वो देवघर, धनबाद का स्थान था। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार न्यूनतम फॉरेस्ट वाला प्रथम चार जिले में स्थान आता है जामताड़ा का। जामताड़ा जहां मात्र 5.56 प्रतिशत भागों पर ही वनों का विस्तार है न्यूनतम। छात्रगण आप गौर कीजिए जामताड़ा में न्यूनतम फॉरेस्ट है कितना, 5.56। उसके बाद कौन, देवघर, उसके बाद कौन, धनबाद, उसके बाद कौन, दुमका। मतलब सबसे कम फॉरेस्ट की प्रतिष्ठा कहां है, तो जामताड़ा है। सबसे अधिक फॉरेस्ट की प्रतिष्ठा कहां है, तो लातेहार में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। छात्रगण गौर कीजिए झारखंड में सर्वाधिक वनों की प्रतिष्ठा लातेहार में है 56.03,
जबकि न्यूनतम वनों की प्रतिशतता है जामताड़ा में मात्र 5.56, अर्थात ओवरऑल झारखंड का फॉरेस्ट इंडिया के कुल फॉरेस्ट का कितना है, तो उसका उत्तर होगा 3.5%। और झारखंड का फॉरेस्ट यहां के कुल क्षेत्रफल के कितना परसेंट है, तो उसका उत्तर होगा 29.62। छात्रगण, इसमें टॉपिक है वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आपको ज्ञात होगा भारत में प्रथम वन जो नीति थी, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, वो बनी थी 1952 ईस्वी में। उसके बाद 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई। यद्यपि झारखंड के स्थान पर या झारखंड पर वन प्रबंधन का प्रथम प्रयास एफ हैबिट के द्वारा 1882-83 में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहली बार झारखंड फॉरेस्ट को कैसे बढ़ाया जाए, क्या मैनेजमेंट है, इसके लिए बहुत सारी नीतियां पॉलिसी आई है। जैसे झारखंड में 2001 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट, संयुक्त वन प्रबंधन एक्ट लाया गया, जिसके तहत 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी और 4 विश्व खाद्य प्रमंडल की स्थापना की गई। इसके अलावा 10,000 वन समिति बनाई गई। उस समिति में गांव के लोगों को शामिल किया गया और उस वन समिति को काम सौंपा गया कि कैसे फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए, कैसे आप उसका देखभाल कर सकें। इसके अलावा वनों को प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों को उसे जोड़ने के लिए इको टूरिज्म नीति, इको बोल रहा है, इको टूरिज्म मतलब पर्यावरण को बढ़ावा दीजिए, उसको टूरिज्म के साथ मतलब पर्यटन के साथ जोड़ दिया गया और इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, ताकि लोगों को उस पर्यटन के माध्यम से उसको विकास किया जा सके, प्रोत्साहन दिया जा सके। इसके अलावा झारखंड राज्य में कंपा CAMPA कंपा 2009 को भी शेड्यूल अधिसूचित कर लिया गया, अपना लिया गया, जिसके तहत प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, इसके अलावा वन जीवों का संरक्षण देना, पर्यावरण को बढ़ावा देना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना का काम कंपा के तहत बात बताई गई। इसके अलावा 2015 में आपने सुना होगा जन वन योजना, 2015 में झारखंड में जन वन योजना लाई गई। इसके तहत बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी भूमि पर फॉरेस्ट लगाएगा तो उसे मैक्सिमम सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसके तहत विभिन्न फॉरेस्ट लगा सकता है, लेकिन बांस के फॉरेस्ट को लगाने पर विशेष प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही साथ राज्य में 116 अस्थाई नर्सरी को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है, ताकि नर्सरी के माध्यम से फॉरेस्ट को झारखंड राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाया जा सके और वन क्षेत्र को और अच्छी तरह से बढ़ाया जा सके। तो छात्रगण, आपने ये देख लिया कि झारखंड का फॉरेस्ट का टाइप कितने हैं, बांटने का 2 आधार क्या है, किसका क्या डिफिनेशन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 17 की रिपोर्ट में कैसे तब्दीली हुई है, वन की प्रतिष्ठा के 4 जिले कौन हैं, वन का क्षेत्र के जिले कौन हैं, न्यूनतम वनों की प्रतिष्ठा कौन है
और झारखंड में वन प्रबंधन कैसे काम कर रहा है उसकी बातें भी आपने समझा। जैसे जब बात होगा वन प्रबंधन की तो कंपा, इको टूरिज्म, नर्सरी को बढ़ावा देना, जन वन योजना, वन समिति के माध्यम से और संयुक्त वन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट समिति के माध्यम से कैसे बढ़ावा दिया गया, ये सारी बातें आपने आज समझा। तो छात्रगण, हम एक बार फिर नई ऊर्जा के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप आराम से अच्छा से पढ़ाई किया करें, ताकि आप इसको जब आप नोट्स लिखा करें तो आपको कोई कठिनाई नहीं हो। छात्र, मैं समझता हूं आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।